हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, डीएसएसबी की जो टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पीआरटी की वैकेंसी आ चुकी है, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी कभी भी आउट हो सकती है। जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनके लिए आउट हो चुकी होगी, लेकिन जिन बातों पर डिस्कस करेंगे वो चाहे पहले देखिए चाहे वैकेंसी के बाद देखिए, सबका महत्व उतना ही रहेगा। डीएसएसबी की वैकेंसी को लेकर के कौन सी चर्चाएं आजकल हैं, उन चीजों पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उन सभी डाउट को क्लियर करेंगे जो डीएसएसबी की वैकेंसी को लेकर के बच्चों के अंदर आजकल हैं। सभी बच्चे कॉल से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से हर जगह इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी लगा कि चलो इस वीडियो में उनको डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी, सबसे पहले क्वेश्चंस हैं, क्या एज को कम किया जाएगा? दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी खबरें हैं कि 32 साल से घटाकर 30 कर दिया जाएगा, यानी टीजीटी की एज को लेकर के अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। तो एक तो इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या एज कम होगी। दूसरी बात है योग्यता क्या रहेगी, इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद भर्ती कब तक आएगी, इस बात पर डिस्कस करेंगे। नोट्स या बुक्स या कोचिंग या सेल्फ स्टडी, इस चीज पर भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक एक बार जरूर कर दीजिए और आइए आगे बढ़ते हैं। अपने डाउट्स को आप कमेंट के थ्रू पूछते रहा कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के अंदर है, क्या एज को कम किया जाएगा? दोस्तों, अगर वर्तमान में आप देखें तो वर्तमान में जो एज का क्राइटेरिया है, वर्तमान में एज का जो क्राइटेरिया है वो आप सभी को पता है कि एज का वर्तमान में क्राइटेरिया क्या है। पीआरटी के लिए जो क्राइटेरिया आप लोगों के लिए है वो भी आपको पता है, और उसके साथ साथ जो चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, जो एज का क्राइटेरिया है उसको आप लोगों को नॉर्मली ऑलरेडी पता है। तो 32 साल की एज अभी टीजीटी के लिए मानी जाती है, और उस चीज को देखते हुए आजकल खबरें आ रही हैं कि 30 कर दिया जाएगा। दोस्तों, वर्तमान में अगर देखेंगे तो 32 साल जनरल के लिए है, एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा यानी 37 साल है, और ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा यानी 35 साल है। अब बात करते हैं उसकी कि क्या एज कम की जाएगी। व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर जगह ये खबरें वायरल हो रही हैं कि 32 साल से घटा करके 30 करने की बात हो रही है। हालांकि चर्चाएं हैं और जो प्रोसेस है वो चल भी रही है अपने हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसका कम होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को कई सारे, ये रूटीन वर्क होता है और ये इस तरीके के प्रस्ताव आते रहते हैं और समय समय पर उनको रिजेक्शन में डालता रह जाते हैं। जैसे आप एक चीज देखिए, 10 साल से हम एक चीज को सुन रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर्स की एज जो है, यूपीएससी वालों की जो एज है वो 24 कर दी जाएगी, 25 कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना है क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। वर्तमान में जो आने वाली वैकेंसी है इसमें इस तरीके की कोई चीज आपको नहीं दिखेगी। पीआरटी की वैकेंसी आई, वही एज है जो पहले थी, टीजीटी की वही रहेगी जो पहले है, और पीजीटी की भी वही रहेगी। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को, हालांकि कई सारे प्रस्ताव आते हैं उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगते हैं, लोगों से राय मांगी जाती है, टीचिंग बॉडीज से राय मांगी जाती है, एजुकेशनल एक्सपर्ट से राय मांगी जाती है, लेकिन लास्ट टाइम आप इसी सोल्यूशन पे पहुंचेंगे कि इस तरीके का कोई भी यहां पर बदलाव अब की बार नहीं होने वाला है। दूसरी जो चीज है वो क्या है, इसमें कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि क्या अपीयरिंग वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, अपीयरिंग वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि अपीयरिंग वाले बच्चे सीटेट वगैरह के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। आपका कंप्लीट पास होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन आप सोच सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट होना चाहिए, यह कंडीशन उसके अंदर होती है। उसके बाद क्वेश्चन होता है, क्या अदर स्टेट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? दूसरे सभी राज्यों के बच्चे दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। अदर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, यस डेफिनेटली दे कैन अप्लाई, बट वो जनरल में काउंट होंगे, ये आपको एक बार देख लेना है। हालांकि एससी एसटी का मामला जो कोर्ट में है उसके आधार पर छूट मिलने की उम्मीदें बताई जा रही हैं, और वही फिजिकल हैंडीकैप के लिए रहेगा, लेकिन ओबीसी वाले बच्चे ऑटोमेटिकली जनरल में काउंट नहीं होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अगली चीज चल रही है कि सीटेट के पासिंग मार्क्स आपके लिए कितने माने जाएंगे। जनरल के लिए 60% आपका जो है, उसके साथ एससी एसटी ओबीसी के लिए 50% आपका नॉर्मली जो है रहेगा, उसके बाद आपका जितना भी वो बढ़िया रहेगा। एग्जाम पैटर्न कई बार पूछ लेते हैं, एग्जाम पैटर्न के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/4 रहेगी, 25% जिसको आप बोलते हैं, यानी 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। ये चीज भी आप लोगों को देखनी है, यानी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 वाली। कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर नौकरी कहाँ करनी है, जॉब लोकेशन कहाँ होगी। दोस्तों DSSSB जो वैकेंसी फिलअप करता है वो दिल्ली की करता है, जो दिल्ली NCR का जो यूनियन टेरिटरी एरिया है उसी को, जो देश की कैपिटल है, राजधानी है, दिल्ली NCR के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जहां भी दिल्ली के स्कूल हैं वहीं पर आप लोगों को नौकरी रहेगी, यानी जॉब लोकेशन आपको अपने स्टेट में नहीं मिलेगी। अगर आप बाहर के हैं तो आपको दिल्ली में ही नौकरी करेगी। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर एग्जाम कहाँ होगा, यूपी से बच्चे हैं, बिहार से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरला से, आंध्रा से, हाउ पूरे भारत के बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब वो बार बार पूछते हैं कि सर हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, जैसे सीटेट का हमारे शहर में हो जाता है, KVS का हो जाता है, NVS का हो जाता है, क्या DSSB भी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। DSSB का जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा दोस्तों वो दिल्ली NCR में रहेगा। जॉब लोकेशन दिल्ली NCR होगी, एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली NCR होगा। आप कहीं से भी हैं, अगर आप बाहर से हैं तो यू हैव टू कम, आपको आना ही होगा दिल्ली में एग्जाम देने के लिए। जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिया जाएगा वहीं पर होगा, आउट ऑफ स्टेट नहीं होगा। ये चीजें क्लियर हमेशा होती हैं। एग्जाम के जो मार्क्स हैं दोस्तों वो 100+100 रहेंगे, यानी 200 मार्क्स रहेंगे। 100 नंबर का आपका जनरल पेपर होगा, यानी कॉमन सब्जेक्ट होगा, पार्ट होगा, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, यानी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होगा। आपका हो सकता है SST हो, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी आपका है, ये चीज आपको देख लेनी है। एग्जाम का पैटर्न आप लोग सामने देख सकते हैं, 20 नंबर का आपकी हिंदी, 20 की इंग्लिश, 20 की जनरल अवेयरनेस GK वाला पोर्शन, 20 नंबर का रीजनिंग, 20 नंबर का आपका मैथ, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंसर्न। यानी इस तरीके से 20 20 20 20 20, 100 नंबर का आपका जनरल पार्ट और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा, ये आपका एग्जामिनेशन पार्ट रहेगा, इसे अकॉर्डिंग आपको चलना है। और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, चाहे DSSB हो, सीटेट हो, KVS हो, NVS हो, हरियाणा टेट हो, यूपी टेट हो, या कितने भी टीचिंग एग्जाम है, हर टीचिंग एग्जाम का स्टडी मटेरियल आप लोगों को बाई कोरियर हम देते हैं, जिसमें जनरल पेपर भी होगा आपका और सब्जेक्ट वाला पार्ट भी होगा। हर पार्ट की अपनी बुकलेट होगी, हिंदी की अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी, GA की अलग होगी, रीजनिंग की अलग होगी, मैथमेटिक्स अलग होगा, सब्जेक्ट अलग होगा, सब्जेक्ट का पेडागोजी अलग होगा, यानी कंप्लीट रूप से आपको पूरा पार्ट इसका दिया जाएगा। हर पार्ट की अलग बुकलेट होगी, 7 से 8 बुकलेट का जो पूरा सेट होता है वो ऑल ओवर इंडिया में हम प्रोवाइड करवाते हैं। आज जो 2 अक्टूबर वाला जो दिन था उस दिन भी बच्चों को डिस्काउंट दिया गया था काफी सारे बच्चों को, और उन लोगों ने जितने भी ऑर्डर्स हुए उन बच्चों को डिलीवरी हो चुकी है। ज्यादातर बच्चों को 1 या 2 दिन में, मतलब अपने जो बाहर वाले बच्चे हैं उनको भी ये मिल जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम के लिए आप लोगों को जरूरी ये है कि बढ़िया स्टडी मटेरियल, बढ़िया कंटेंट, अच्छी राय, अच्छी गाइडेंस और सख्त मेहनत करने की जरूरत होती है। सिलेक्शन दूर नहीं होता है, सिलेक्शन के लिए अगर इंतजार होता है तो सिर्फ एक ही चीज का होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और हम कोशिश करेंगे आप लोगों को ये तीनों की तीनों चीजों की सुविधाएं आपको दें, ताकि पूरे भारत में कहीं भी आप रहते हो आपका पूरे का पूरा सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली हो जाए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।